नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों, आज मैं आपको इस एडेनियम सीड्स को कैसे कलेक्शन करते हैं और उसको कैसे जर्मिनेट करते हैं, इसके ऊपर पूरा जानकारी दूंगा। कैसे द इजीएस्ट वे इसको जर्मिनेशन कर सकते हैं उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, और देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है, आप अगर नए देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन और ऑल बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो एडेनियम है, एडेनियम प्लांट्स, इसका जो सीड्स आप देख रहे हैं, ये तो मतलब अभी ग्रोइंग पोजीशन में है। अभी इसका मतलब ये सीड्स जो है कंप्लीट नहीं हुआ, इसके कारण इसके चलते जो है मैं इसको टाई करके रखा ताकि ये क्रैश हो के गिर मतलब जो सीड्स है वो बिखर ना जाए। तो ये ज़रूरी है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। इसको जो है ना, मैंने हार्वेस्ट किया था और जो दूसरा जो पौधा है उसी से वो पक गया था, तो इसीलिए उसको मैं निकाल लिया। तो मैं दोस्तों आपको दिखाऊँगा, ये दोस्तों देखिए, ये मैं ऐसे करके ढक के रखा ताकि ये उड़ ना जाए। ये देखिए, इसको मैं धूप में डाला था। धूप में डालने से वो जल्दी मतलब जर्मिनेशन जो है वो जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, इस सीड्स को मैंने अभी निकालूंगा एक एक करके। तो इसको मैं अभी धीरे धीरे मतलब एक एक करके मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो एक आध मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ पहले। तो इसी ऐसे देखिए इसको, ये देखिए इस तरफ मतलब जो देखिए दोनों तरफ मतलब इसका जो जैसे रुई जैसा होता है और बीच में जो है इसका सीड्स होता है। ये देखिए ये जो है सीड्स है। तो इसको मैं इसी में डालता हूँ, ये हो गया। तो दोस्तों ऐसे करके ये देखिए एक गिरा है, ये देखिए। तो ऐसे करके इसको कलेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो सीड्स मैंने निकाल लिया, ये जो सीड्स है इसको थोड़ा सा देख के मतलब इसको सिलेक्शन करना पड़ता है। तो ये सीड्स जो है आपको थोड़ा देखिए, ये वाला जो सीड्स मैंने रखा है, ये देखिए, इसको दबाने से इसके अंदर कुछ पता नहीं चल रहा कि है कि कुछ नहीं। तो इसको मतलब देख हेल्दी जो सीड्स है उसके अंदर मतलब दबाने से थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन ये जो नरम है इसके अंदर कुछ है नहीं। तो इसीलिए जो सीड्स आप कलेक्शन करेंगे मतलब उगाने के लिए, जो जर्मिनेशन के लिए, वो अच्छा होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। तो और साथ में जैसे उगाने के लिए मैंने जो सीडलिंग्स तैयार करने के लिए, एक तो रेत जो है उसको धो के पूरा बिल्कुल मतलब साफ करके उसके बाद लिया है, और जो साथ में जो है आपको ये जो कोकोपीट है इसको भी धो के साफ करके रखा है। तो दोस्तों ये अभी जो है मैं पहले जो है सीड्स को इसको प्लेस करूँगा। एक एक करके थोड़ा सा मतलब के इसको डाल देते हैं, और इसको जरा आराम से मतलब के ना थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा गिर गया वहाँ थोड़ा सा खाली कर मतलब दूसरी जगह पे इसको प्रेस कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। तो ये दोस्तों देखिए, ये आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर से जो ये कोकोपीट है, इस कोकोपीट को थोड़ा ये देखिए धो के, बिल्कुल ये मॉइस्चर है इसके अंदर, तो ये धो के इसको, ये मॉइस्चर मतलब इसमें बने रहना है ताकि मतलब इसका जर्मिनेशन जल्दी हो जाए। तो इसलिए इसको प्रॉपर से डाल देंगे। ये जो कोकोपीट है ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा, और इसको जो जर्मिनेशन इसको जल्दी करवाएगा। तो इसको हम रख देंगे, और इसको डेली रेगुलर बेसिस पे थोड़ा पानी इसको स्प्रिंकल करना पड़ेगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये जर्मिनेशन मतलब बहुत इजी है। ये जो सीड्स कलेक्शन वो भी आप देख लिया कैसे मतलब ना इसको सीड्स को कलेक्शन करना पड़ता है, और इसको जर्मिनेशन कैसे करते हैं इसको पूरा जो है मैंने जानकारी दिया। लेकिन इसका जो अपडेट है दोस्तों, मैं अपडेट रखूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो वीडियो मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए देख रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।